हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं रोशन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में जो है हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को देखा था और आज से जो हम हैं इंडियन ज्योग्राफी को एक एक करके ले चलेंगे। तो आज हमारा पहला वीडियो इंडियन ज्योग्राफी, बस एक उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे कि भारत कैसे बना, किस तरीके से वह टूटा हुआ था और किस तरीके से वह आगे की ओर बना। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो भारत की जो आकृति है वह भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ठीक है। भारत की जो आकृति है वह चतुष्कोणीय आकृति है। अगर मैप में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो भारत है ये इस तरीके से, हाँ, ये चतुष्कोणीय भाग है इसका। उसके बाद यह भारत जो है वह विश्व भूगोल में या फिर पृथ्वी पर कहाँ स्थित है, तो यह 0 डिग्री, यह लाइन जो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। और ऊपर में इसके जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे में साउदर्न हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर में इसको बांटा जाता है। तो इसकी स्थिति जो है अक्षांश की दृष्टि के अनुसार अगर हम देखें तो अक्षांश की दृष्टि के अनुसार यह जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि देशांतर के अनुसार अगर हम देखें, देशांतर की दृष्टि से, तो यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अक्षांश से इधर उत्तर में, और अगर हम देखें देशांतर की दृष्टि से, तो यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसे उत्तर पूर्व एरिया में भी कहा जाता है, और यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर दो भागों में। अब हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 68-7 से लेकर 97-25, ठीक है, 68-7 से लेकर 97-25, यह जो है देशांतरीय रेखा, यानी कि भारत जो है 68-7 पूर्व से लेकर 97-25 देशांतर तक स्थित है, 68-7 से 97-25 तक। जबकि अगर हम इसकी अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8-4 से लेकर के यह पूरे के पूरे ऊपर 37-6 तक स्थित है, यहाँ 8-4 और यहाँ 37-6, यानी 68-7 से लेकर 97-25, 8-4 से लेकर 37-6, इस तरीके से जो है भारत की स्थिति है, पूर्वी देशांतर और यह उत्तरी अक्षांश, यह जो है ऊपर की ओर अक्षांश और यह पूर्वी देशांतर। अब इसमें एक पूछा जाता है ईस्ट टू वेस्ट जो है भारत की लंबाई कुल कितनी है, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यहां से लेकर यहां तक या यहां से यहां तक जो भी कहें, तो 2933 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है कुल 2933 किलोमीटर, जबकि नॉर्थ टू साउथ जो इसकी है लंबाई, नॉर्थ से साउथ, वो 3214 किलोमीटर, यहाँ 2933 किलोमीटर और यहाँ 3214 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है। दूसरी चीज, भारत में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 68-7 और 97-25 और 68-7 अप्रॉक्स जो है दोनों को अगर माइनस करते हैं तो 30 डिग्री एवरेज आता है। तो 30 डिग्री, तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री जब चेंज होता है तो तकरीबन 4 मिनट, 1 डिग्री = 4 मिनट, यानी कि यहाँ पर 30 डिग्री चेंज हो रहा है, कहाँ, अरुणाचल से लेकर के एकदम यहाँ गुजरात तक, यानी शुरुआत में यहाँ पर सूर्योदय हुआ और यहाँ पर, तो 30 × 4 = 120 मिनट, देन 120 = 60 मिनट डिवाइडेड बाई 2 आवर्स, यानी यहाँ पर सुबह में 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो यहाँ पर सूर्योदय 8 बजे होगा, ठीक है। यह 30 डिग्री का फासला होने की वजह से होता है, इसमें भारत के साथ 30 डिग्री का फासला होने की वजह से 2 घंटे का पूरा अंतर हो जाता है सूर्योदय में, इस छोर से लेकर इस छोर तक।
अब देखिए, अब हम इसकी विस्तार की बात करते हैं या फिर स्थिति जो भी कहें, तो क्षेत्रफल इसकी हम देखते हैं सबसे पहले। तो इसका जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसके कुल जो है क्षेत्रफल है। लेकिन राउंड फिगर में जब हम रखते हैं तो इसको 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यह जो है विश्व में 7वें पोजीशन पर है अपने क्षेत्रफल के अनुसार, 7th नंबर पे। तो सबसे पहले नंबर पे कौन है? रसिया, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर यहाँ पर हमारा इंडिया। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से कहें, ठीक है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारा है देश है वो सेकेंड लार्जेस्ट है और फर्स्ट है चाइना, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री चाइना, उसके बाद इंडिया। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें पोजीशन पर, यानी रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, यानी 6 कंट्री के बाद ये 7वें पोजीशन पर आता है। इसकी स्थलीय सीमा जो है, इसका कुल स्थलीय सीमा जो है वह 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। स्थल की जो इसकी सीमा है पूरा वो 15,200 किलोमीटर है, जबकि समुद्र तट रेखा मुख्य भूमि की जो है वह 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि कहने का मतलब कि यहाँ से जो है समुद्र तटीय इसका जो शुरू हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि में 6100 किलोमीटर, जबकि समुद्र तट रेखा द्वीप सहित, तो द्वीप जो है यहाँ पर अंडमान, यहाँ पर लक्षद्वीप और यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार, तो इन सब के साथ में यह जो है 7,516.6 किलोमीटर, ये टोटल के साथ इसकी समुद्र तटीय रेखा। इसके बाद एक आता है कि यह विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है कवर अप करता है, तो 2.42%, ठीक है, यह विश्व के 2.42% लैंड को या फिर भूमि को जो भी कहें, यह क्षेत्रफल मतलब इतने में ही इसकी सीमित है, ठीक है, यह 2.4% लैंड को कवर अप करता है। कौन? तो हमारा देश, पूरे विश्व के 2.42% को, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी सबसे सीमांत स्थल, कि सबसे सीमांत स्थल कहने का अर्थ क्या है कि भारत जो है इसका सबसे दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी जो भी है उसका सीमा क्या है, यानी यह कहां पर अंत होता है इसका, ठीक है, इसकी सीमा रेखा कहां तक बनती है। तो यह पूर्व में जो है या फिर उत्तरी से अगर हम शुरू करें सबसे पहले, तो उत्तरी में इंद्राकोल लेह जम्मू कश्मीर यहां है एकदम इंद्राकोल यहां, ठीक है, यहां दर्शाया गया है इंद्राकोल को, यहां इंद्राकोल। जबकि दक्षिण में अगर हम देखें तो इंद्रा पॉइंट है सबसे आखिरी सीमा इसकी, ठीक है, इंद्रा पॉइंट जो है यहां दक्षिण में निकोबार, अंडमान निकोबार में स्थित है। लेकिन दक्षिण में जो मुख्य भूमि की सीमा है सबसे अंतिम वो है कन्याकुमारी, ये हो गया श्रीलंका, ठीक है, तो कन्याकुमारी यहाँ पर। और कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में, ठीक है, मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी सीमा। उसके बाद पूर्वी में अगर हम बात करें तो पूर्वी में जो है सबसे पूर्व में तो यहाँ किबिथू जो अंजा में स्थित है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर किबिथू अरुणाचल प्रदेश में। जबकि पश्चिम में अगर हम बात करें तो पश्चिम में गौरमोता, ठीक है, और यहाँ पर कुछ एक और नाम भी आता है राजहिर या राजहर कीक, ये दो नाम भी आते हैं, ठीक है, गौरमोता, राजहर या राजहिर कीक। और यह कहाँ स्थित है? कच्छ में, गुजरात। तो यह पूछ लिया जाता है जनरली सवाल कि भारत का जो है पूर्वी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल जो है कहाँ स्थित है? तो किबिथू, ठीक है, उसके बाद सबसे पश्चिम में तो गौरमोता, और नॉर्थ में तो इंद्राकोल, और साउथ में तो इंद्रा पॉइंट। तो जनरली इंद्राकोल और इंद्रा पॉइंट को लेकर के कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा होगा, तो इसे थोड़ा आप ध्यान से देखें कि इंद्राकोल है या फिर इंद्रा पॉइंट है पहले,
ठीक है। उसके बाद IST, IST क्या है? GMT और IST, GMT ग्रीनविच मीन टाइम और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारत के समय का निर्धारण हम IST के ही अनुसार करते हैं। तो IST जो है यह कहाँ से होकर के गुजरती है? तो IST जो है यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, जो ये है, यहाँ 80 है और यहाँ पर 84 डिग्री है और यहाँ पर 82.5 डिग्री। जो बिल्कुल मिर्ज़ापुर से गुजरती है, मुन्ना भैया कालीन भैया का मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर से यह जो है गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से यह जो है पूरी लाइन गुजरती है। और इसी से जो है हम समय का निर्धारण करते हैं भारत के लिए, 82.5 या 82 डिग्री, 30 यानी कि 82.5 डिग्री जो भी कहें। तो यहाँ से IST गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। उसके बाद एक कर्क रेखा जो ये है, तो कर्क रेखा भारत के, जनरली यह सवाल पूछी जाती है कि कर्क रेखा जो है भारत के किन राज्यों को छूती है, या भारत के कौन कौन से राज्य कर्क रेखा को टच करती है, या भारत का कौन सा राज्य जो है इनमें से, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, इस तरीके से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो कर्क रेखा को जो है, अगर कर्क रेखा गुजरती है भारत से, तो गुजरात सबसे पहले, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सॉरी झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि टोल जो को टोटल है 8 स्टेट, ठीक है। यह जो है 8 स्टेट से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जो इस तरीके से गुजरात, फिर यहाँ राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद यहाँ झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। त्रिपुरा को लेकर के भी एक जनरली सवाल पूछे जाते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, या फिर जनरली ये भी पूछा जाता है कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, मतलब बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ, किसी भी तरीके से वो पूछें, यह जनरली सवाल पूछा जाता है। तो त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो तीन तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा है, यानी बांग्लादेश से ही, सिर्फ और सिर्फ यह बांग्लादेश से ही तीन तरफ से घिरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। त्रिपुरा यह तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो जनरली यह सवाल जो है बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इसमें गलत होने के चांसेस काफ़ी हद तक होती है, तो इस पर थोड़ा आप ध्यान दें। इसके बाद हम देखते हैं विभिन्न देशों के साथ सीमा, ठीक है। तो भारत जो है विभिन्न देशों के साथ जो टच करती है, तो उसमें सबसे लंबी सीमा जो है भारत किसके साथ बनाती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वह बांग्लादेश के साथ बनती है, 40.96 किलोमीटर, ठीक है, 40.96 किलोमीटर। और बांग्लादेश जो है कितने स्टेट को टच करती है, या फिर ये भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा स्टेट जुड़ा हुआ है, या कौन कौन सा स्टेट जो है सकता है, या कौन कौन सा स्टेट जो है सीमा साझा करता है, उसके अलावा कितने स्टेट बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, तो वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा, फिर त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, यानी कुल 5 स्टेट जो है बांग्लादेश के साथ टच होती है। उसके बाद चाइना के साथ 3488 किलोमीटर की हम सीमा साझा करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर, फिर अरुणाचल, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, इस तरीके से यह भी 5, यानी कि बांग्लादेश और चाइना इन दोनों के साथ हमारी जो है स्टेट कुल 5 स्टेट टच होती है। फिर उसके बाद पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, जो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करता है। फिर नेपाल 1751 किलोमीटर, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, यानी कि यह भी 5 स्टेट के साथ सीमा साझा कर रहा है। फिर म्यांमार 1643 किलोमीटर,
जो अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, इन चार स्टेट के साथ यह सीमा साझा करता है। भूटान 699 किलोमीटर, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, सिक्किम, जबकि यहाँ अफगानिस्तान यह सबसे छोटी सीमा साझा करती है 106 किलोमीटर मात्र, जो जम्मू कश्मीर। यदि हम भारत के मैप को देखें इस तरीके से, यहाँ भारत के मैप, तो यहाँ से जो है अफगानिस्तान टच करती है, बट ये है क्या, पीओके है, ठीक है, पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो कुछ किताब में अगर आप देखेंगे तो जैसे दिशा पब्लिकेशन की एक पुस्तक है ज्योग्राफी की, उसमें उन्होंने सबसे छोटी सीमा बताई है भारत और भूटान के साथ, जबकि असलियत में अफगानिस्तान के साथ, यानी उन्होंने अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ भारत के क्षेत्र को माना ही नहीं है। तो जनरली ऐसा ना करें, वो हमारा ही क्षेत्र है, भले वो पाकिस्तान के साथ है या पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन आज ना कल वो तो हमारा होना ही होना है, ठीक है, उसे हम लेंगे ही। तो सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ हमारी लगती है, तो अफगानिस्तान, उसके बाद भूटान, और सबसे लंबी सीमा हमारी किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश। तो इससे लेकर के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, सो इस पर थोड़ा ध्यान रखें आप, कंफ्यूज ना हो इन सब चीज़ों को लेकर के। इसके बाद है वो स्टेट जिनकी तटरेखा है, तो सबसे लंबी तटरेखा अगर किसी स्टेट की है या फिर यूटी की, तो वो है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की जो है 1962 किलोमीटर है, ठीक है, 1962 किलोमीटर की इसकी तटीय क्षेत्र या तटीय रेखा जो भी कहें। उसके बाद गुजरात, गुजरात की 1214.7 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973.7, तमिलनाडु 906.9, महाराष्ट्र 652.6, उसके बाद केरल, केरल के 569.7, उड़ीसा के 476.4, कर्नाटक के 280 किलोमीटर, गोवा और दमन दीव 160.5, उसके बाद पश्चिम बंगाल 157.5, लक्षद्वीप 132 और पौंडीचेरी 30.6 किलोमीटर। पौंडीचेरी जो है जनरली यह अलग अलग स्टेट में, इसके चार डिस्ट्रिक्ट हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरीके से तो सबसे छोटी अगर तटीय रेखा पूछी जाए तो पौंडीचेरी की, ठीक है, ये यूटी है, लेकिन अगर स्टेट में पूछी जाए सबसे छोटी तटरेखा तो गोवा, ठीक है, जो कि 160 किलोमीटर ही है। और सबसे लंबी तटरेखा अगर पूछी जाए तो अंडमान निकोबार, जो कि एक यूटी है, लेकिन अगर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गुजरात 12.7 किलोमीटर। इस तरीके से तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी आप थोड़ा अपने माइंड को मेकअप रखें, फ्रेश रखें एग्जाम में, ताकि बेहतर कर सकें, ठीक है। ये था तटरेखा भारत का। अब इसके बाद तटरेखा के बाद हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स है। देखिए यहाँ तटरेखा, तो तटरेखा में हम देखते हैं यहाँ है ये गुजरात, पूरा यहाँ तक मुंबई यानी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और ये हो गया वेस्ट बंगाल। यहाँ पर हो गया हमारा लक्षद्वीप, यहाँ पर हो गया अंडमान निकोबार, यही हमारा तटरेखा वाला प्रदेश या फिर तटीय क्षेत्र हम जो भी कहें। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद फिर उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल, इस तरीके से हमारे तटीय प्रदेश हैं या तटरेखा वाले राज्य।
उसके बाद कुछ चैनल है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहला तो हम देखते हैं क्या कि भारत और चीन के बीच इंडिया चाइना इंडिया पाकिस्तान और फिर उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान, ये तीन देश। और तीन देशों के साथ जो है जो लाइन हमारी टच करती है वह कौन कौन सी लाइन है। तो पहले इंडिया और चाइना, तो इंडिया और चाइना के बीच जो हमारी लाइन है वो है मैकमोहन, मैकमोहन लाइन जो है इंडिया और चाइना के बीच है, जिसे निर्धारित किया था मैकमोहन ने 27 अप्रैल 1914 को, ठीक है, 27 अप्रैल 1914 को। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान, तो इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो है वह है रेड क्लिफ, ठीक है। तो रेड क्लिफ जो है यह 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। इंडिया और अफगानिस्तान के साथ जो है वो है डुरंड, डुरंड रेखा, यह आज़ादी से काफ़ी पहले निर्धारित की गई थी। तो यह सवाल जनरली पूछ लिया जाता है डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है, या फिर इंडिया अफगानिस्तान के बीच की रेखा, या इंडिया पाकिस्तान के बीच की रेखा, या इंडिया चाइना के बीच की रेखा। तो इंडिया चाइना में मैकमोहन, इंडिया पाकिस्तान में रेड क्लिफ, और इंडिया अफगानिस्तान में डुरंड रेखा, ये तीन रेखाएं हैं जो काफ़ी फेमस है और इससे सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावे कुछ और भी रेखाएं हैं, या फिर कहें हम डिग्री, महत्वपूर्ण चैनल, जिसमें सबसे पहला महान चैनल या फिर ग्रैंड चैनल जो भी कहें, तो वह जो है ग्रैंड चैनल स्थित है सुमात्रा यानी इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में, ठीक है, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में स्थित है जो यहाँ पर, ठीक है, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में, ठीक है, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में। उसके बाद जो है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य, यहाँ देखिए ये हो गया निकोबार, ये हो गया अंडमान, तो अंडमान और निकोबार के मध्य जो है यह 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, अंडमान और निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो है 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। उसके बाद एक है 8 डिग्री चैनल जो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है, मालदीव यहाँ है और यहाँ मिनिकॉय, तो यहाँ पर 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित, इस तरीके से इसकी चैनल है। उसके बाद फिर जो है पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य जो भी कहें, तो भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में। उसके अलावे कुछ और भी हैं जैसे मन्नार की खाड़ी, तो वह भी यहीं पर स्थित है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, मन्नार की खाड़ी, और आदम ब्रिज या आदम पुल जो भी कहें, जिसे कहा जाता है कि रामायण में राम जी की सेना या फिर सुग्रीव की सेना ने जो है उसका निर्माण किया था, तो वह भी भारत और श्रीलंका के बीच ही स्थित है। उसके बाद जो है लक्षद्वीप सागर, ये लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में है। माहिम क्रीक जो है यह मुंबई में एक पतली सी निवेशिका है। उसके अलावे फिर है खंभात की खाड़ी, तो खंभात की खाड़ी जो है यहाँ, ठीक है, गुजरात के बगल में, तो खंभात की खाड़ी यह पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है, जबकि कच्छ जो है वह पश्चिमी गुजरात में स्थित है। कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है, कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान और म्यांमार यहाँ पर, ठीक है, म्यांमार इधर से है
और यह उत्तरी अंडमान, इसके बीच में कोको स्ट्रेट जो है स्थित है। उसके बाद है डंकन पास जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। तो ये जो है कुछ चैनल है जो भारत और भारत के साथ जो भी कंट्री लग रहे हैं या भारत के ही कुछ स्पेशल क्षेत्रों को जो है बांटती हैं, ये उसके चैनल है जिसको निर्धारण किया गया है। तो जनरली यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल पर। उसके अलावा कोको स्ट्रेट कहाँ स्थित है, आदम ब्रिज कहाँ स्थित है, पाक जल संधि सॉरी पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी वगैरह, इन सबसे वगैरह वगैरह से कुछ सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद जो है ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ एक पॉइंट है, यह भारत जो है यह मतलब लगभग यहाँ से 20 डिग्री से जो है नीचे की ओर यह संकरा होता जाता है। ठीक है, भारत जो है नीचे की ओर जो है यानी दक्षिण की ओर यह संकरा होता जाता है, जबकि ऊपर की ओर इसकी जो है फैलाव है कुछ हद तक सही, जबकि नीचे की ओर जो है यह संकरा हो जाता है। तो इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, जब हम भारत की उत्पत्ति देखेंगे कि भारत का जो है समय कैसे कैसे रहा, किस तरीके से यह बना है। यह 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता है। ठीक है, यहाँ 22 डिग्री, यहाँ 15, यहाँ 30 है, तो लगभग यहाँ से 22 डिग्री से यहाँ से इस तरीके से जो है यह संकरा होता चला जाता है। ठीक है, 22 डिग्री से दक्षिण की ओर जो है यह संकरा होता चला जाता है। अब अगर हम इसकी देखें कुछ स्पेशल चीज़ें, स्पेशल फैक्ट्स, तो जनरली जो सवाल पूछे जाते हैं कि अरेबियन सी भारत के किधर स्थित है, तो पश्चिम में। ठीक है, इंडियन ओशियन कहाँ स्थित है, साउथ में, जबकि बे ऑफ बंगाल इधर ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल स्थित है। ऊपर में यहाँ पर पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ जो है चाइना काफ़ी बड़ा है चाइना, फिर नेपाल, ठीक है, यहाँ पर भूटान, यहाँ तिब्बत, यहाँ बांग्लादेश, इधर म्यांमार हो गया, ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका, इस तरीके से जो है, और इधर इंडोनेशिया वगैरह स्थित है।